जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे चौथ माता की कथा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखिए। वैशाख मास चल रहा है, बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें भगवान श्री हरि की पूजा पाठ की जाती है जिससे हमें अनंत फल की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें हम लोग का जो भी हम लोग दान करते पुण्य करते हैं उससे हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम सुनेंगे गणेश चौथ की कथा, जो इस प्रकार है। एक सेठ सिखानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या भोजन किया, तो वो रोज़ कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाए और हम लोग ने रोज़ पकवान खाते हैं तो ये ऐसा क्यों कहती है। उसने सोचा आज चलो पकवान बनाते हैं फिर देखते हैं ये क्या कहती है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो सारे घर ने पकवान बैठकर साथ में खाए हैं और घर के सभी लोग ने एक साथ खाना बैठ के खाया, आज भी पड़ोसन ने पूछा, तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन ने जो भोजन किए हैं वो माँ बाप की कमाई के किए, जब आप लाओगे खाना मैं बनाऊंगी तब मैं कहूंगी कि मैंने 56 भोग खाए हैं। ये सुनकर उसको बड़ा अजीब सा लगा सेठ के बेटे को। उसने अपनी माँ से कहा। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। ऐसा कह के लड़का बड़े शहर में चला गया। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलेगी और अपनी सभी मनोकामना पूरी होगी। जय हो श्री गणेश जी की, जय हो चौथ माता की। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पे चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बना के रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोल के कंकू केसर का पकलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। ऐसा भगवान की आज्ञा जैसे ही उसे मिली उसने भगवान के कहे अनुसार सारा काम किया और उस दिन उसके सारे जितने भी थे मतलब कि ऋण था चुकता हो गया और सारे हिसाब किताब क्लियर हो गया और बहुत सा धन लेके वो अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा काला नाग मिला। वो उसे डसने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा आज मैं तुझे डसूंगा, तेरी आयु खत्म हो गई। सेठ के लड़के ने कहा मैं अपने घर को जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तब मैं तो अब तुम मुझे डस लेना। उसने कहा मैं तुम शपथ व्रत हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे घर आकर तुमको डस लूँगा। सेठ का लड़का राजी हो गया और अपने नगर के लिए निकल गया। जब सेठ का लड़का अपने घर को पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात है, आपने इतना सारा धन दौलत लेके आए हैं तब भी आप इतने उदास लग रहे हैं। तो खाते समय उसने बताया कि क्या कहते हैं एक मुझे रास्ते में काला नाग मिला, उसने कहा है कि मैं तुमको रात में आकर डस लूँगा, अगर मैं वापस नहीं किया तो वो मुझे डस लेगा। सेठ की बहू बहुत चतुर थी तो उसने कहा आप बिल्कुल ना परेशान होइए, मैं एक ऐसा उपाय करूंगी जिससे माता का चौथ माता का हमारे पर आशीर्वाद सतह बना रहेगा। उसने 7 सीढ़ियों पे
उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय कर दूँ। पत्नी ने कमरे की सात पेड़ी धोई, पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पे लड्डू पेड़ा, छठी पे गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी दूध का कटोरा भर दिया। इस प्रकार वे सात ही पेड़ी सजा के बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा, पहली पेड़ी पर रेत में लेट लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार सातों पेड़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तरवार लेके नाग को मार दिया और ढाल से उसे ढककर रख दिया, ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग के बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर कुछ देखा तो बहुत घबराई, बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी हुई थी और उसके नीचे काला नाग पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही आप सबकी रक्षा कीजिए। बोली, चौथ माता की जय हो। अगर आपको मेरे द्वारा चौथ माता की कथा पसंद आई हो तो भगवान श्री गणेश और चौथ माता को प्रणाम कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री हरि। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मुझे मिला है, इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट और प्यार मुझे बनाए रखिए मेरे साथ में। और मेरा दूसरा चैनल श्री जी है, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसी टाइप से आप अपना प्यार मेरे साथ सदैव बनाए रखिए। थैंक यू।